नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल इंडियन मसाला रेसिपी पर। और आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसे फूले फूले और बहुत ही टेस्टी दही बड़े, जिसके लिए मैंने मूंग दाल को भिगोकर रख दिया था। मैंने आधा किलो मूंग दाल ली है और अब इसको हम ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी डालकर इसको अच्छे से लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको पीसना है। हमारा पेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से पिस जाना चाहिए। देखिए ऐसे ही मेरा पेस्ट पिस चुका है और अब एक बड़ी परात में मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप किसी भी बड़े बर्तन में ही निकालिएगा, क्योंकि अब इसको हम अपने हाथों से मथने वाले हैं। मथने से पहले हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और साथ ही 1 चम्मच जीरा। अब इसको हम अपने हाथों से मथेंगे। आप जितनी अच्छे से इसको मथेंगे ना, उतना ही अच्छा हमारा फूला फूला दही बड़ा होगा। जो मार्केट में आप देखते हैं कि एकदम फूले फूले और बहुत ही मोटे मोटे से लगते हैं दही बड़े, वो कमाल इसी का होता है कि जितनी देर आप इसको मथेंगे उतनी ही आप टेस्टी और अच्छे आपके दही बड़े बनेंगे। मैंने लगभग इसको 10 मिनट तक मथा है, जिसके बाद मैंने एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया था। तेल गर्म होने के बाद हम अपने हाथों में बैटर लेंगे और इस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। अपने हाथों में बैटर लीजिए और अंगूठे की हेल्प से इसको नीचे उतारते जाइए। आपके दही बड़े जो हैं वो बहुत ही फूले फूले और मोटे मोटे जाएंगे। बैटर मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो और थोड़ा बड़ा डाल सकते हैं, लेकिन अब जो हम बैटर डाल रहे हैं ना वो फूल कर मोटा हो जाएगा और साथ ही जब इसमें पानी भी डालेंगे ना हम तो और भी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल ही रखा है। आप चाहें तो और थोड़ा बैटर लेकर इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए जितना भी एक कढ़ाई में आ सकता था मैंने उतना बैटर इसमें डाल दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूंगी। और आप एक कड़छी लीजिए, कड़छी की हेल्प से इन दही बड़ों को थोड़ा थोड़ा आप ऊपर से हिला दीजिए, जिससे हमारे जो दही बड़े हैं वो जो एक दूसरे के चिपक रहे हैं वो हट जाएंगे। आप इनको मीडियम गैस पर ही आराम से पकाइएगा। अगर आप तेज़ गैस पर इनको पकाएंगे तो अंदर से हमारे जो दही बड़े हैं वो कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ये पके हुए दिखेंगे, तो ये टेस्टी नहीं बनेंगे। इसलिए आप मीडियम गैस पर इसे पकाइएगा। अब देखिए हमारी जो दही बड़े हैं उनका कलर चेंज हो चुका है, इनका ब्राउन कलर हो चुका है और अब मैं इनको कड़छी से बाहर निकाल लूँगी। एक तरफ मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म रख दिया था, जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था और अब इन दही बड़ों को मैं उसमें डाल दूँगी। सेम प्रोसेस करके जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था दही बड़े, वैसे ही करके मैंने दूसरी बार भी दही बड़ों को अच्छे से पका लिया है और अब इनको भी मैं उसी बर्तन में डाल दूंगी। सारे दही बड़ों को हम निकाल कर उसी बर्तन में डाल देंगे और इसके बाद हम 3 से 4 घंटे के लिए इस दही बड़ों को पानी में भीगने देंगे। अब देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और हमारे दही बड़े जो है वो फूले फूले बन चुके हैं। अब इनको अपने हाथों से थोड़ा सा दबाकर इनका जो पानी है वो बाहर निकाल दीजिए और एक प्लेट में इनको डाल लीजिए। दही बड़े मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं और अब इन दही बड़ों पर हम डालने वाले हैं बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही। दही बड़ों को हम अच्छे से दही से नहला देंगे और अब हम इस पे डालने वाले हैं हरे धनिए की चटनी। अगर आप हरे धनिए की चटनी बनाना देखना चाहती हैं तो मैंने इसका वीडियो भी डाल रखा है, आप चैनल में जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं। अब साथ ही हम इस पे डालने वाले हैं इमली की मीठी चटनी। अगर आप इसका वीडियो भी देखना चाहती हैं तो मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है, आप चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। डालने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं जीरा मसाला। इस जीरे मसाले में मैंने नमक, मिर्च और चाट मसाला पहले मिक्स कर रखा है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमकीन। अब हमारा जो दही बड़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।